हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन की बिल्कुल नई रेसिपी, जिसके लिए हमने तेल चढ़ाया है कढ़ाई में, जिसमें डालेंगे तेज़पत्ता, ये दो प्याज है जिसको हमने पेस्ट बनाया हुआ है, ये दो प्याज था फ्रेंड्स जिसको मैंने पहले से ही पेस्ट बना कर रखा था, मैंने उसको डाला इसमें। ये फ्रेंड्स अदरक पेस्ट है, ये फ्रेंड्स लहसुन पेस्ट है 1 चम्मच, और आधा आधा चम्मच सारा मसाला है, धनिया, काली मिर्च, जीरा, मिर्च पाउडर और हल्दी, नमक। इसमें हल्दी फ्रेंड्स ऐड नहीं करेंगे, ये दूसरे टाइप का मटन है। ये सारे मसाले इसमें हमने ऐड कर दिया फ्रेंड्स, और थोड़ा इसमें पानी भी ऐड किया है, और इसको भूनना नहीं है फ्रेंड्स, इसमें आपको अपना मटन ऐड कर देना है। ये हमने हाफ के जी मटन लिया है फ्रेंड्स, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। बस मटन इसमें ऐड करने के बाद इसको हम ढक देंगे, जब ये पानी सूख जाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। देखो फ्रेंड्स, ये मटन पानी सूख गया है, ये मटन पानी पूरा सूख गया है, थोड़ा बहुत पानी है, इसको भी हम सुखा लेंगे, और इसको हम अच्छे से अब हम इसको तेल छोड़ने तक भूनेंगे। देखो फ्रेंड्स, ये मटन हमारा बन के बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, आप इसको इंजॉय करिए, ये बहुत टेस्टी लगता है। और ये भून चुका है, ये इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं रहता है, ये सूखा सूखा ही रहता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स।